हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है। तो देखो, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है पेयर ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और हमको ये भी वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन है वो उनके दो नंबर के प्रोडक्ट से मैच करता है। तो ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, सीधा सीधा हमको एलसीएम और एचसीएफ जैसे कि हम फाइंड करते हैं वैसे ही करना है, और उसके बाद जो फॉर्मूला आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, वो हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो नंबर कौन से दिए हमको, 26 एंड 91। तो सीधा सीधा सॉल्व करते हैं और इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इनके प्राइम फैक्टर कुछ इस तरीके से निकले, अब इनको सीधा सीधा स्टेटमेंट के थ्रू लिखेंगे। तो अब हमारे ये कुछ प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, तो इसके ऊपर से हमको सीधा सीधा पता चल जाता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, और अब एलसीएम में क्या होगा, फिर एलसीएम में 2 × 7 × 13 होगा, जिसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 182। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन क्या है, 2366। अब आते हैं दूसरी तरफ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहां पे देखो, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाला तो वो निकला 2366, और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी हमारा सेम आ रहा है, तो यहां पे क्या वेरीफाई हो जाता है, यहां पे वेरीफाई हो जाता है, दैट इज हेंस वेरीफाइड। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज 510 एंड 92। अब इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। तो यहां पे हमारा एचसीएफ ऑब्वियसली क्या होने वाला है, 2 ही होने वाला है। तो अगर अब हम बात करें एलसीएम की, तो क्या निकलेगा, तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, दैट इज, तो फिर अभी इसके अंदर अगर 0 ऐड कर दे तो हमारा आंसर आता है। तो अब वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा एलसीएम और एचसीएफ कुछ इस तरीके से आया है। तो सबसे पहली चीज, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 23,460। ऑब्वियसली इसका डबल हो जाएगा, तो क्या निकलेगा अपना, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या निकलेंगे, तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अगर इसके अंदर 0 ऐड करें सो हमारा कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट हाफ है और जो सेकंड हाफ है, ये दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो अभी हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, दैट इज 336 एंड 54। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, तो इसको सीधा सीधा स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे, दैट इज 6। सो उसके बाद आते हैं हमारे एलसीएम पे। सो अब इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 3024। तो सबसे पहला हाफ आते हैं, जिसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, दैट इज 18,144। अब आते हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की तरफ, और इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आया, एंड दैट गिव्स अस द सेम रिजल्ट, दैट इज 18,144। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, हेंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2, जिसमें हमने पहले तो एलसीएम और एचसीएफ जैसे कि निकालना था वैसे ही निकाल लिया नॉर्मली, और उसके बाद एक एडवांस चीज थी इसमें, दैट इज वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 2 खत्म होता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 3 की तरफ, जो कि लगभग इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और अब तक नहीं किया है तो तुरंत कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।